हेलो दोस्तों, विंडोज़ 10 में वायरस से बचने के लिए ऑप्शंस ऑटोमेटिकली होती हैं। इसी तरह जिन सॉफ्टवेयर्स का पब्लिशर मालूम नहीं होता, उनको ख़तरा या थ्रेट तसव्वुर किया जाता है। और विंडोज़ 10 में ऐसे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल होने से रोकने के लिए भी ऑप्शंस मौजूद होती हैं। अभी देखें, हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है टेस्ट एप्लीकेशन .exe। ये एक वायरस तो नहीं है, लेकिन एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसका पब्लिशर मालूम नहीं है, तो विंडोज़ 10 जो है इसे ख़तरा या थ्रेट तसव्वुर करेगी। आइए हम इसको इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं। डबल क्लिक किया, देखें ये वार्निंग आ गई है कि ये एप्लीकेशन जो है ये एक या तो थ्रेट है या एक वायरस है, तो इसको इंस्टॉल नहीं होने दिया जा रहा। अच्छा, तो अभी क्या तरीका है कि हम इसको इंस्टॉल कर लें? तो इसका तरीका यह है कि आप जो है यहाँ पे सर्च में वायरस एंड थ्रेट ये लिखेंगे तो सर्च में एक ऑप्शन आएगी वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन, इसको क्लिक करें। यहाँ पे एक ऑप्शन है वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन सेटिंग्स, इसमें जाएं और यहाँ पे रियल टाइम प्रोटेक्शन जो है ये अभी ऑन है तो इसको ऑफ कर दें। अच्छा, इसको ऑफ कर दें, यस प्रेस कर दें। तो देखिए, जो जहाँ पे सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ था जिसको हमने इंस्टॉल करने की ट्राई की थी, विंडोज़ 10 में जो ऑटोमेटिकली ऑप्शंस हैं उन्होंने इसको थ्रेट समझ के डिलीट कर दिया और इंस्टॉल होने नहीं दिया। अभी हम यही वाला सॉफ्टवेयर दोबारा लेते हैं, और चूंकि हमने वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन ऑफ कर दी है तो अभी हमें यही सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छा, ये वही वाला सॉफ्टवेयर हमने दोबारा हासिल किया, और यहाँ पे देखें कि अब जो रियल टाइम प्रोटेक्शन है वो हमने ऑफ कर दी थी, तो अभी हम ये सॉफ्टवेयर दोबारा इंस्टॉल करने की ट्राई करते हैं। तो ये देखें, इंस्टॉल होने के बाद वही सॉफ्टवेयर रन हो रहा है। तो डियर फ्रेंड्स, वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।